नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विदिशा, मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कुछ समय पहले नीट का जो परिणाम जारी किया गया था उसमें भ्रष्टाचार और पेपर लीक होने की जैसी शिकायतें सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। वहीं 563 अभ्यर्थियों को आयोग घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का कांग्रेस ने महाघोटाला करार देते हुए इसका विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विदिशा जिला कमेटी कांग्रेस कमेटी ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि बच्चों के भविष्य से घोटाले ने खिलवाड़ किया गया, इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माननीय जीतू पटवारी जी ने निर्देश दिया है संपूर्ण मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई है उसके विरोध में आज का ये जिला मुख्यालय पे धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई है उनके साथ न्याय होना चाहिए। हम उनके न्याय के लिए, उन बच्चों के, उन परिवार के न्याय के लिए आज धरना दे रहे हैं। अरे ये जो नीट की परीक्षा हुई है और इसमें करीब 24 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में बैठे, पर्चा आउट हो रहा है, पैसे देके अक्षम लोगों को जो फेल हो गए ग्रेस मार्क्स देकर पैसे उन्हें पास घोषित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और कह दिया कि ये फिर से परीक्षा में अपियर होंगे। हमारी मांग है कि पूरी नीट की परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। ये एनटीए भी एक दूसरा व्यापम का बड़ा रूप हो गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे मोदी के राज कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का कहा था, आज प्रतिभाशाली लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहे, पर जो भ्रष्टाचार से नकल करके पर्चा आउट करके पास घोषित हो रहा है, हमने कांग्रेस ने राहुल गांधी के आह्वान पर, AICC के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का है इसके विरोध में। इसी तरह से ये जो नेट का रिजल्ट आया है 18 जून को अपियर हुए थे लड़के, इसके पर्चे आउट हो गए। नेट में 10 लाख लोग अपियर हुए थे, ये 34 लाख नौजवानों के भविष्य का मामला है। फिर से ईमानदारी से काम करें और इनके मुखिया को हटाएं, इनके शिक्षा मंत्री को जेल भेजे, त्वरित कार्रवाई करें। आज योग दिवस पर विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे थे कार्यक्रम में, उनसे पूछा गया था यही सवाल नीट परीक्षा को लेकर, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, वो हो सकता है कि वो भी उसमें शामिल हो। आप देखिए मध्य प्रदेश का जो प्रयोगशाला थी, देखिए क्या हुआ हमारे यहाँ व्यापम में, बहुत बड़ा 100 गुना बड़ा व्यापम दिल्ली में हो गया। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे कोई ईमानदारी की, न्याय की, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की कोई भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ, नौजवानों की नौकरी बचाओ।